पीलीभीत के पूरनपुर उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंटुल पुल को टोल फ्री कर दिया है, जिस पर से सवारियों के निकलने पर किसी तरह के पैसे लेने पर पाबंदी है। लेकिन हजारा क्षेत्र के धनारा घाट पेंटुल पर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टोल फ्री होने के बाद पुल से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। मामला नहरोसा के गाँव से बारात बंगाली कॉलोनी आई थी, दहेज का सामान लेकर डीसीएम पुल से गुजरी। तब धनारा घाट पुल की देखरेख कर रहा मुंशी ने दहेज डीसीएम उतारने के नाम पर बारातियों ने मुंशी पर रुपए लेकर डीसीएम पुल से उतारने का आरोप लगाया। बारातियों ने बताया कि शादी कराकर लौट रहे थे, चार पांच फोर व्हीलर थी जिसमें बाराती बैठे हुए थे और एक डीसीएम जिसमें दहेज का सामान भरा हुआ था। पुल से उतारने पर धरारा घाट पुल का मुंशी ने 300 रुपए की वसूली की है। रात में प्रतिबंध के बाद भी धरारा घाट पुल से सवारियां निकलती रहती हैं। मौजूद कर्मचारियों को लेन देन के चलते रात के अंधेरे में वो बेखौफ होकर सवारियां निकाली जा रही हैं। धरारा घाट पुल सीसीटीवी न होने के कारण विभाग को इसकी जानकारी नहीं लगती है। नहीं, आप तो क्षेत्र, क्या नाम है आपका? संजय मंडल। कहाँ रहते हैं? चंदिया हजरा। तो इधर कहाँ जा रहे थे आप? इधर जा रहे थे, हम अपने भांजे के शादी था, दहेज लेके हम जा रहे थे नरोसा कॉलोनी। तो क्या मामला, क्या है पूरा मामला बताओ। मामला ये है, हम पुलिया पार किया दहेज की गाड़ी लेके। कौन सा पुलिया? ये धनारा घाट वाले पुलिया। उसके बाद यहाँ पे हमें रोका गया, हाँ। ड्राइवर साहब को रोका गया, हमें रोका गया। उसके बाद ड्राइवर साहब ने ड्राइवर साहब को बोला कि तुम जाओ, फिर हमें इनने बोला है, उसके बाद बोला कि दे दो कुछ खर्चा पानी। तो उसके बाद किसने कहा, किसने कहा? ये सर्वेश ने, सर्वेश ने बोला। अच्छा, हाँ। उसके बाद हमें, हमने उन्हें 100 रुपया पकड़ाते रहे, तो वो कह रहा कि 100 नहीं 500 चाहिए। अच्छा। फिर हम अपने जीजा से 100 रुपया दो पान पचास पचास के दो नोट लिए, फिर हाँ। उन्हें 200 रुपया हम पकड़ा गए, फिर निकल गए। अच्छा। उसके बाद फिर हम बबलू भाई को फोन किए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मिलन विश्वास। हाँ, क्या मामला, क्या है मामला? यह मेरा बेटा को शादी था। जी जी। तो शादी का गाड़ी मतलब जो है पहले निकला, मेरा बेटा से भी 100 रुपया लिया है इन लोगों ने। अच्छा। हाँ, फिर हम लोग दहेज का सामान लेके आते रहे। हाँ, तो 100 रुपया आपका कहाँ पर लिया? यहाँ पर मेरे मिंटू विश्वास। हाँ, ये पेंटर पुल पे मिंटू विश्वास से। अच्छा, मिंटू विश्वास से पहले लिया हम लोग, बाद में दहेज का सामान लेके एलपी गाड़ी से लेके। तो आप लोगों से कितना पैसा लिया गया? हम लोगों से 200 लिया, मेरे बेटा से भी 100 रुपया ले गया। अच्छा। हाँ,